झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और आज हम रीढ़ की हड्डी एकांकी जो कि जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा रचित है उसके प्रश्नोत्तर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। देखिए, इसमें प्रश्न पहला है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्कसंगत है? तो इसका उत्तर है, ऐसी तुलना करना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं हो सकती, क्योंकि समय के साथ सभी कुछ बदलता चला जाता है। नए विचार, नया वातावरण और नया स्वरूप बनता रहता है। मनुष्य को अतीत जीवी न होकर वर्तमान में जीना चाहिए और अपनी नजर भविष्य पर रखनी चाहिए। सॉरी। और अब प्रश्न दूसरा, रामस्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस विवशता को उजागर करता है? तो इसका उत्तर है कि यह विरोधाभास रामस्वरूप जी की इस विवशता को, मजबूरी को उजागर करता है कि समाज में अभी भी ऐसे लोग भी होते हैं जो लड़कियों का ज्यादा पढ़ना लिखना उचित नहीं मानते। ऐसे लोग पिछड़े हुए और दकियानूसी विचारों वाले होते हैं, परंतु चूंकि हमको इसी समाज में रहना है, यहीं पर अपने बच्चों के शादी विवाह करने हैं, तो कई बार लड़कियों के पिता होने के कारण मजबूरीवश बहुत सी बातों को, जिन्हें हम उचित नहीं मानते, अनुचित समझते हैं, तब भी वैसा आचरण करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो रामस्वरूप जी हैं वो भी ऐसे ही व्यक्ति हैं। अब प्रश्न तीसरा, अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार का व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित है कि नहीं? उत्तर, बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि जब दूसरा पक्ष नकारात्मक विचारों वाला हो, पढ़ाई लिखाई का विरोधी हो और दकियानूसी सोच वाला भी हो, तो बेटी का निर्वाह उस परिवार में कैसे होगा? अतः बेटी उमा ने जैसा भी व्यवहार किया वही उचित व्यवहार था। प्रश्न चौथा, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और रामस्वरूप अपनी बेटी की उत्तम शिक्षा को छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। उत्तर, मेरे विचार में दोनों ही समान रूप से अपराधी नहीं माने जा सकते। गोपाल प्रसाद अवश्य ही अपराधी हैं, क्योंकि वे विवाह जैसे जीवन भर चलने वाले रिश्ते को बिजनेस मानते हैं, परंतु रामस्वरूप को जी को हम अपराधी नहीं मान सकते। हाँ, वे एक मजबूर पिता अवश्य हैं, उन्हें उसी समाज में रहना है, वही रिश्ता करना है, तो वे जरा झुक कर चलने की कोशिश करते हैं। प्रश्न पांचवा, आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं? उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत मिलता है? उत्तर है, इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की इन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। पहला, वह चरित्रहीन है। दूसरा, वह व्यक्तित्वहीन है। और तीसरा, वह पिता के विचारों पर आश्रित है, उसके अपने कोई विचार नहीं है। प्रश्न छठवां, शंकर जैसे लड़के या उमा
जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, समाज को शंकर जैसे लड़के की नहीं, उमा जैसी लड़की के व्यक्तित्व की ही जरूरत है, क्योंकि वह एक शिक्षित, विचारवान और आत्मसम्मान से युक्त लड़की है। प्रश्न सातवां, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, रीढ़ की हड्डी इस एकांकी का अत्यंत सार्थक शीर्षक है, क्योंकि यह चरित्र और व्यक्तित्व तथा विचारवान होने का प्रतीक है। शंकर में इन गुणों का अभाव है और वह एक ऐसे शरीर के समान है जिसमें रीढ़ की हड्डी ही ना हो, जो अपने दम पर सीधा न रह सके, लिजलिजा हो। और अब प्रश्न आठवां, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? उत्तर है, कथा वस्तु के आधार पर मैं उमा को ही एकांकी का मुख्य पात्र मानता हूं, क्योंकि वही पूरे नाटक में एक सकारात्मक और विचारात्मक भूमिका अदा करती है। उसमें प्रतिरोध करने की क्षमता, शक्ति और पहलकदमी का साहस है। वह समाज को आदर्श चरित्र का एक प्रतिरूप भी प्रदान करती है। अब प्रश्न नौवां, एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो उत्तर है, रामस्वरूप की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला, सीधे और भले व्यक्ति हैं। दूसरा, बेटी के पिता के रूप में अति विनम्रता अपनाने वाले एक विवश पिता हैं। तीसरा, लड़कियों की उच्च शिक्षा के समर्थक किंतु उसके लिए साहसपूर्ण समर्थन करने से हिचकने वाले व्यक्ति हैं। अब हम गोपाल प्रसाद जी के चारित्रिक विशेषताओं को देखते हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला, समय से पिछड़े हुए और अतीत जीवी। दूसरा, विवाह को बिजनेस मानने वाले लालची व्यक्ति। तीसरा, लड़कियों की शिक्षा के विरोधी। चौथा, अपने चरित्रहीन बेटे में सुधार ला पाने में अक्षम और अपना गुलाम बनाए रखने की प्रवृत्ति। अब प्रश्न दसवां, इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। तो इसका उत्तर है, इस एकांकी का उद्देश्य इस प्रकार बताया जा सकता है। पहला, शिक्षित और विचारवान लड़कियों को समाज में प्रतिष्ठा दिलाना। दूसरा, दहेज लोभियों को सबक सिखाना। तीसरा, शंकर जैसे विचारहीन और चरित्रहीन युवकों की निंदा करना, ताकि युवकों में उससे बेहतर बनने की इच्छा जागृत हो। सॉरी। प्रश्न ग्यारहवां, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? उत्तर, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु मैं जो प्रयास कर सकता हूं वे इस प्रकार हैं। पहला, महिला शिक्षा के प्रति आदर सम्मान पैदा करने वाले कार्य करना। दूसरा, महिलाओं को पुरुषों के बराबर मानने की भावना का प्रसार करना। तीसरा, महिलाओं के विचारों को महत्व देना। चौथा, महिलाओं की स्वतंत्रता का आदर करना। और पांचवा, महिलाओं की आकांक्षाओं का सम्मान करना। तो यह थे रीढ़ की हड्डी एकांकी के प्रश्नोत्तरों वाला एपिसोड। कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।